मेरी गल दी समझ आ रही है। अच्छा जी एक मेनू आंदा नबी जान दे कुछ नहीं, मैं क्या जड़ा नबी कुछ नहीं जानदा ओ तेरा। कहन लगा नबी सुन दे कुछ नहीं, मैं क्या जड़ा नबी सुनदा कुछ नहीं ओ भी तेरा। कहन लगा नबी कर कुछ नहीं सकदे, मैं क्या जड़ा नबी कुछ नहीं कर सकदा ओ भी तेरा। कहन लगा नबी मर के मिट्टी हो गए, मैं क्या जड़ा नबी मर के मिट्टी हो गया ओ भी तेरा। कहन लगा ध्यान दाता फिर थोड़ा कहना है, मैं क्या सुन आप सोचो इन्हां दोवां च खुश नसीब केड़ा है। अच्छा मेरे करीम मालिक ने फरमाया वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। मेरे बुजुर्गो अल्लाह वालों जो कोई नेमत मिले ना तो मैं चौंका जी अल्लाह वालों जो कोई नेमत मिले तो उस नेमत का चर्चा करो ते शुक्र अदा भी करो। मेरे बुजुर्गो तवज्जो बड़ी चीज है जो सारे कर लो। अच्छा जी और तुसी खामोश बैठो, मैं तुहाडी खामोशी दी नजर एक हदीस करदा पिया। मेरे रसूल ने फरमाया ऐ मेरे सहाबा क़यामत वाले दिन कोई साया नहीं होएगा, फकत मेरे अल्लाह के अर्श का साया होएगा। फरमाया ऐ मेरे सहाबा जड़ा बंदा दुनिया ते रह के रब का शुक्र अदा करता रहा कल क़यामत वाले दिन रब ओनू अपने अर्श का साया नसीब फरमाएगा। सुभान अल्लाह क्या बात, सुभान अल्लाह। तुहाडी सुभान अल्लाह सुन के मेरा दिल पे करदा एक हदीस। मेरे बुजुर्गो ये लफ्ज मेरे मुंह च निकल रहे ने पर ये लफ्ज मेरे नहीं ज़ारा दे बाबा दे लफ्ज ने। तवज्जो मेरे नबी ने फरमाया ऐ मेरे सहाबा जिन्हों अल्लाह दुनिया दे नेमत अता करे ते फिर वो उस नेमत ते रब दा शुक्र अता करे। या रसूल अल्लाह होएगा की फरमाया अल्लाह जमाने दे मोहताजी तो दूर कर देगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह दी नेमत ते शुक्र अदा करन दे हवाले नाल एक हदीस होर भी आउंदी है ओ भी सुना दिया। तुसी चुप हो मैं घर जाके पढ़ लूंगा। नबी रहमत ने फरमाया हजरत इमाम अली मुत्तकी अल हिंदी ने इस हदीस नु नकल फरमाया कि हजूर ने फरमाया क़यामत वाले दिन ना कुछ ऐहो जे बंदे होणगे जिन्हां नु जन्नत च अल्लाह नूरानी मिंबर अता करेगा। पूछा जाएगा या ना ये बंदे कौन ने मौला इन्ना प्रोटोकॉल ये बंदे कौन ने जिन्हां नु अज ये नूरानी मिंबर मिले ने। या ना ये सदीक ने आवाज आएगी नहीं। या ना ये शहीद ने आवाज आएगी नहीं। तो या ना इन्ना प्रोटोकॉल ये बंदे फिर कौन ने आवाज आएगी ये ओ बंदे ने जिन्हां नु दुनिया ते नेमत अदा की ते फिर इन्हां ने उस नेमत ते रब दा शुक्र अदा किया। सुभान अल्लाह क्या बात है। नारे तकबीर नारे रिसालत नारे खिलाफत नारे हैदरी क्या बात है क्या बात। मेरे बुजुर्गो एक बारी फिर सभी ने सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
अच्छा जी एक हदीस होर सुन लो, मेरे नबी ने फरमाया तवज्जो है क्यामत वाले दिन ना एक बंदा आएगा उन्हें अपनी नेकियों से बड़ा ही ईमान होएगा। वो बड़ा ही कह रहा होएगा कि मैं बड़ा नेकूकार हाँ, बड़ा ईमान होएगा। लगते थानू समझ नहीं आ रही, मेरे बुजुर्ग इन्ना स्वादी जुमला है, तुम बेस्वादा पे करते हो, तवज्जो नाल सुनो। ये बुनियाद है मेरे खिताब का, क्यामत वाले दिन एक बंदा होएगा उन्हें अपनी नेकियों से बड़ा ईमान होएगा, तो वह बड़ा ही कह रहा होएगा कि मैं बड़ा नेकूकार हाँ। अल्लाह फरमाएगा एदी सारी जिंदगी दे एमाल मिजान ते एक पलड़े च रखो, नमाज़ां विच, रोजे विच, ज़कात विच, हज विच, उम्रे विच, टिंडा विच। उन्ना टिंडा दियां गल्लां नहीं करदा, उम्रे आली टिंडा दी गल्लां करदा पिया। टिंडा विच फरिश्ते अर्ज करेंगे या अल्लाह दूसरे पासे की रखना है। अल्लाह ने फरमाया दोबारा सुनो, अल्लाह ने फरमाया ये सारी जिंदगी दे एमाल मेज़ान दे पलड़े ते रखो, जा अल्लाह दूजे पासे की रखना है। फरमाया दूजे पासे मैं रब ने इनू जिन्नियां नेमतां अता कीतियां ने उन्हां विच्चों एक। मेरे बुजुर्गों तुहानूं समझ नहीं आई ते मैं दोबारा अर्ज पिया करदा, अल्लाह ने फरमाया एडी सारी जिंदगी दे एमाल मेज़ान दे एक पलड़े ते रखो, जा अल्लाह दूजे पासे की रखना है। फरमाया दूजे पासे मैं रब ने इनू जिन्नियां नेमतां अता कीतियां ने उन्हां विच्चों एक। सुभान अल्लाह, क्या बात, क्या बात। मेरे बुजुर्गो एक बारी फी सबीलिल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाएगा मैं एदी सारी जिंदगी दे इमाल मेज़ान दे पलड़े ते रखो, या अल्लाह दूजे पासे की रखना है। फरमाया दूजे पासे मैं रब ने इनू जिन्नियां नेमतां अता कीतियां ने उन्हां नेमतां विच्चों एक नेमत। ते मेरे बुजुर्गो सारी जिंदगी दियां नेकियां दा वजन थोड़ा, अल्लाह वालों मिली हुई एक नेमत दा वजन बहुता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा हुण मेरे नबी दे सहाबा अर्ज की थी या रसूल अल्लाह वो केड़ी नेमत है ते सारी जिंदगी दियां नेकियां दा वजन थोड़ा, उस एक नेमत दा वजन बहुता। अल्लाह या रसूल अल्लाह केड़ी नेमत है, वो केड़ी नेमत है। ते हुण मेरे नबी ने फरमाया, मेरे नबी ने फरमाया ए मेरे सहाबा बंदे मोमिन नू जेड़ा एक वरी साया। सुभान अल्लाह, क्या बात, क्या बात। ओए सारी जिंदगी दियां नेकियां एक साथ दा मुल नहीं। मेरे बुजुर्गो ए अतना नेमत है, असगर नेमत है, छोटी नेमत है। ते जब छोटी नेमत दा मुकाबला नहीं, साडा नबी अकबर नेमत है, अफजल नेमत है, ए छोटी नेमत दा मुकाबला नहीं, वड्डी नेमत दा मुकाबला किवें हो जाएगा। क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा जी हुण अल्लाह ने फरमाया अल्लाह वालों जो कोई नेमत मिले उसका चर्चा करो ते शुक्र अदा भी करो। ते हुण मैं कुरान दा दूजा मकाम पढ़न लगा, तुहाडी तवज्जो है। अल्लाह ने फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन इज़ बअस फीहिम रसूला। अल्लाह ने फरमाया मैं तुहाडे ते एहसान कीता है। या अल्लाह कादा एहसान? फरमाया अपना महबूब अता करके मैं तुहाडे ते एहसान कीता है। सुभान अल्लाह, बेशक। मेरे बुजुर्गो अल्लाह ने फरमाया मैं तुहाडे ते एहसान कीता है, ते मैं अर्ज कीती मालिक तू सानू करोड़ां नेमतां दित्तियां ने पर एहसान जताया नहीं। गड्डी अल्लाह की नेमत थी, गड्डी दिती, एहसान जताया नहीं। जायदाद भी अल्लाह की नेमत है, जायदाद दिती, एहसान जताया नहीं। मेरे बुजुर्गो हुण जदों वारी आई मुस्तफा दे विलादत दी, मुस्तफा दे मिलाद दी, ते मालिक तू साडे ते एहसान जता रहे है, वजह की है? मालिक ने फरमाया सारियां नेमतां, सारियां नेमतां, ओए सारियां नेमतां मेरे खजाने विच आम ने, पर मेरे मुहम्मद ए रब दी नेमत ते खास है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात, ए रब दी नेमत खास है। सुभान अल्लाह। अच्छा हुण एक फर्क ते ए हो गया,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਬੋਲੇ। ਅੱਛਾ ਤਵੱਜਾ ਫਰਮੋ, ਪਹਿਲਾ ਫਰਕ ਕੀ ਸੀ? ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਮਤਾਂ ਆਮ ਨੇ ਪਰ ਮੇਰਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰੱਬ ਦੀ ਨਿਮਤ ਹੈ ਖਾਸ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜਾ ਫਰਕ ਸੁਣ ਲਵੋ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਹਰ ਨਿਮਤ ਦਾ ਨਿਮਲ ਬਦਲ ਹੈ। ਗੱਡੀ ਦਿੱਤੀ ਅੱਲਾਹ ਨੇ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਗੱਡੀ ਗਈ, ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਫਿਰ ਮੰਗੀ, ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗੱਡੀ ਨਿਮਤ, ਇਹ ਨਿਮਤ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੌਰ ਆਇਆ, ਮਤਲਬ ਕਾਰੋਬਾਰ ਡਿਸਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਫਿਰ ਮੰਗਿਆ, ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਇਹ ਨਿਮਤ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਬੇਟੇ ਦੋ ਸਨ, ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਫੋਤ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਫਿਰ ਮੰਗਿਆ, ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹ ਨਿਮਤ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਵਾਰੀ ਆਈ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਦੇ ਮਿਲਾਦ ਦੀ, ਤੇ ਯਾ ਅੱਲਾਹ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹਸਾਨ ਜਤਾ ਰਹੇ, ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹਰ ਨਿਮਤ ਮੇਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਵੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਹਿਬੂਬ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਹਸਾਨ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੈਂ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਤਾਜ ਸਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਫਰਮਾਇਆ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰੱਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਨਾਰੇ ਤਕਬੀਰ, ਨਾਰੇ ਰਿਸਾਲਤ, ਨਾਰੇ ਤਹਕੀਕ, ਦੂਜਾ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਫਰਕ ਵੀ ਸੁਣ ਲਵੋ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਹਰ ਨਿਮਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਮੁਮਕਨ ਹੈ, ਹਰ ਨਿਮਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਮੁਮਕਨ ਹੈ, ਹਰ ਨਿਮਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਮੁਮਕਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭਾਈ? ਹਰ ਨਿਮਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਮੁਮਕਨ ਹੈ, ਹਰ ਨਿਮਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਮੁਮਕਨ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇਹ ਜੁਮਲਾ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਨੱਚਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਭਾਈ? ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹਰ ਨਿਮਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਮੁਮਕਨ ਹੈ, ਹਰ ਨਿਮਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਮੁਮਕਨ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰੱਬ ਦੀ ਉਹ ਨਿਮਤ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਪਾ ਪਾਕ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ,